स्टूडेंट्स क्लास फोर सब्जेक्ट टीवीएस टॉपिक बर्ड्स बीक्स एंड क्लॉज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बीक्स। देयर आर मैनी थिंग्स मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड। कई तरह के बर्ड्स होते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। वो बहुत सुंदर और रंग बिरंगे से होते हैं। पीपल हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाई बर्ड्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लाई। जो लोग हैं वो हमेशा बर्ड्स के ऊपर मोहित होते हैं। बर्ड्स उन्हें आकर्षक लगते हैं क्योंकि वो उड़ सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव फेदर्स एंड ए लाइट वेट बॉडी। जो पक्षी है वो उड़ सकते हैं क्योंकि उनके जो पंख होते हैं, पंखों की वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी हल्की होती है। टाइप्स ऑफ बीक्स ब्रेन वॉरियस बर्ड्स। सम स्मॉल बर्ड्स हैड जनरली ईट ग्रेन्स सीड्स एंड नट्स ओनली आर ग्रेन वॉरियस बर्ड्स। कुछ जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, बीज खाते हैं और नट्स मेवे खाते हैं। सिर्फ यही तीन चीज़ें खाते हैं तो उनको ग्रैनिवोरियस बर्ड्स की श्रेणी में रखा गया है। दे क्रैक द ग्रेन विद द हेल्प ऑफ दे शॉर्ट हार्ड पॉइंटेड एंड हॉर्नी बीक्स। वो क्या करते हैं, किसी भी जो ग्रेन है, किसी भी अनाज के दाने की क्रैक करते हैं, उसको तोड़ते हैं। किसकी हेल्प से, अपनी छोटी मजबूत पॉइंटेड एंड हॉर्नी सिंग वाली बीक से। एग्जाम्पल ऑफ ग्रैनिवोरियस बर्ड्स आर स्पैरो पिजन बीवर्स बर्ड्स। ये इनके एग्जाम्पल हैं जो भी हैं। नेक्स्ट है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। सम बर्ड्स ईट फ्रूट एंड नट्स। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रूट और मेवे ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। दे नीड कर्व्ड बीक्स टू क्रैक नट्स एंड बाइट द हार्ड फ्रूट्स। उनको क्या चाहिए होती है, कर्व्ड बीक्स चाहिए होती है, मोड़ वाली उनकी चोंच होती है, ताकि जो हेल्प कर सके उनको नट्स को तोड़ने में और उनके फ्रूट्स को तोड़ने में। नट थोड़े से हार्ड होते हैं ना बेटा, इसलिए। फॉर एग्जांपल पैरट, हॉर्नबिल, कोकेटू एट्सेट्रा। ए कर्व्ड बीक आल्सो हेल्प्स ए पैरट टू क्लाइम अप हाई ब्रांचेस। जो कर्व्ड बीक होती है वो हेल्प करती है पैरट को हाई ब्रांचेस पे जाने के लिए। नेक्स्ट है कैर्निवोरस बर्ड्स। कैर्निवोरस बर्ड्स ईट अदर एनिमल्स लाइक स्मॉल बर्ड्स, फ्रॉग, स्नेक्स एंड माइस। जो ये मांसाहारी जो बर्ड्स होते हैं, ये बैठा अपने पशु भी पढ़े थे ना लास्ट लेसन में। ये जो मांसाहारी पक्षी होते हैं ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पक्षियों छोटे छोटे जीवों को खा लेते हैं। जैसे छोटे छोटे पक्षियों को भी खा लेते हैं, मेंढक को खा लिया, सांप को खा लिया, चूहे को खा लिया। दे टीयर द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग हुक्ड एंड पॉइंटेड बीक्स। वो क्या करते हैं, सामने वाले का जानवर का जिसका भी उन्होंने शिकार बनाना होता है, उसको अपनी जो पॉइंटेड बीक्स होती है और स्ट्रॉन्ग होती है जो इनकी चोंच, उसकी हेल्प से सामने वाले के शरीर को क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं। जैसे ईगल एंड वर्चुअल, अपने चील और गिद्ध। इंसेक्टिवोरियस बर्ड्स। सम बर्ड्स ईट इंसेक्ट। कुछ है जो इंसेक्ट्स खाते हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। उनकी जो बीक्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड पिकर, वुड पैकर की ए स्ट्रॉन्ग एंड चेसल शेप्ड बीक हेल्प्स वुड पिकर टू पीक एंड मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक टू कैच इंसेक्ट विच दे ईट। उनकी जो बीक होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और चीसल शेप्ड होता है। छेनी आपने देखी होगी घरों में, होगी आपके, छेनी के आकार की इनकी जो होती है बीक होती है। जैसे कि वुड पिकर की हुई, वुड पिकर की हेल्प करती है ट्री के अंदर। बेटा ट्री कितना हार्ड होता है, वो अपनी चोंच से उसके अंदर क्या कर देती है, छेद कर देती है। इतनी हार्ड होती है इनकी जो बीक है और हेल्प करती है साथ ही साथ वो छोटे इंसेक्ट्स को खाने के लिए जो भी वो खाती है। लॉन्ग एंड सेंट्रल स्पीक। दिस बीक हेल्प द बर्ड्स टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम फ्लावर ग्राउंड एंड ट्रीज। ये जो इनकी जो लंबी बीक होती है ये क्या करती है, फ्लावर्स के अंदर से या फिर ग्राउंड के अंदर से या पेड़ों के अंदर से छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको पकड़ने में, उनको खाने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल होमिंग बर्ड्स आर हैज स्ट्रो शेप्ड बीक टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। बेटा फ्लावर के पार्ट्स अपनों ने सेकंड चैप्टर में किया था, उसमें जो पार्ट था नेक्टर, नेक्टर के ऊपर जो भी वो बैठे होते हैं उसको स्ट्रो शेप के अंदर इनकी बीक होती है वो क्या चूस लेती है। ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। दिस बीक हेल्प्स द किंग फिशर एंड क्रेन टू कैच फिश एंड इंसेक्ट फ्रॉम रिवर्स और पॉन्ड्स एंड इज कॉल्ड एज स्पेयर शेप्ड बीक। ये जो इनकी चोंच होती है किंग फिशर की हुई, वो क्या करती है, थोड़ी मतलब लंबी होती है और पॉइंटेड होती है इनकी जो चोंच है। ये क्या करती है, लंबी इसलिए होती है कि रिवर यानी कि नदी और तालाबों में से, ताकि आराम से मतलब ये फिश या फिर कोई भी इंसेक्ट्स या कोई छोटे छोटे जीव हैं उनको ये पकड़ कर खा सकें। नेक्स्ट है ब्रॉड फ्लैट बीक। दिस बीक हेल्प टू हेल्प्स डक्स टू डिक द सॉफ्ट मड नियर पॉन्ड्स टू कैच वॉर्म्स इजली। क्या ये जो हेल्प करती है, ये वाली बीक यानी कि चोंच हेल्प करती है, मड होता है बेटा गंदा पानी, गंदे पानी का जो तालाब होता है यानी गंदे पानी का जो पौंड होता है उसके अंदर से जो कोई भी जो जीव जंतु है, ये वॉर्म हुआ, इनको केंचुए टाइप से होते हैं ये, जो इनको पकड़ने में मदद करती है। द बोर्ड स्पून शेप्ड बीक हैज़ फाइन होल्स दाइज। जो ये स्पून शेप्ड बीक होती है बेटा, एक इसके अंदर क्या है, होल्स होते हैं इनके किनारों के ऊपर। तो ये था बेटा अपना बीक्स के बारे में, क्लॉज के बारे में अपने कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।